हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज ट्राई। आज बीए सेकंड ईयर के पेपर फर्स्ट में हमारा टॉपिक है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि और उदय के कारण तथा अन्य विषयों पर चर्चा की थी। आज का हमारा चर्चा का एक बिंदु है भक्तिकालीन प्रमुख संत, और इनमें भी कौन से संत जो सगुण भक्ति को मानने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रामानुज के बारे में विचार करते हैं। भक्तिकालीन जो प्रारंभिक संत थे वो दक्षिण भारत से संबंधित थे, और धीरे धीरे जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दक्षिण भारत के पश्चात ये जो आंदोलन है ये उत्तरी भारत के संतों द्वारा उत्तर भारत में इसका प्रचार और प्रसार हुआ। रामानुज को भक्ति आंदोलन के अगर हम आधार स्तंभ कहें या प्रमुख, क्योंकि शंकराचार्य द्वारा जिस मत का, जिस दर्शन का प्रचार और प्रसार किया गया वो बहुत अधिक दार्शनिक था और जनसाधारण की समझ में नहीं आया। तो जो भक्ति आंदोलन पॉपुलर हुआ वो रामानुज के समय से ज्ञात विख्यात हुआ। रामानुज महोदय जो थे, इनका जन्म आंध्र प्रदेश के तिरुपति नगर में हुआ था और 12वीं शताब्दी में ये विशिष्ट अद्वैत मत के या सिद्धांत के मानने वाले थे। विशिष्ट अद्वैत के अनुसार इनका मानना था कि ब्रह्म ही परम सत्य है, कि ईश्वर जो है वही परम सत्य है, और आत्मा और जगत जो है वो ईश्वर के विभिन्न रूप। यदि आत्मा प्रयास करे या आत्मा ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। रामानुज महोदय जो थे, उनका ये भी मानना था कि जो शूद्र या निम्न वर्ग के लोग हैं उन्हें भी कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में यदि यदि वो ईश्वर की भक्ति करें, अपना सर्वस्व समर्पित करें, तो वो भी भक्ति कर सकते हैं। और काफी निम्न लोगों को भी उन्होंने भक्ति के विषय में उनसे चर्चा की और अपनी बातों के विषय में विस्तार से बताया। ये रामानुज जो थे वो वैष्णव संत माने। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो संत है वो माधवाचार्य, क्योंकि 13वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ और ये भी दक्षिण भारत के थे, और इनका जो जन्म स्थल था वो वेल्टी नामक स्थान। ये रामानुज के प्रारंभ में विशिष्ट से इनके सिद्धांत में काटे थे, लेकिन धीरे धीरे इनके इन्होंने द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये उनके विचार उनसे काफी भिन्न हो गए, और उनका ये मानना था, जैसे ये तो मानते थे कि ब्रह्म ही परम सत्य है, लेकिन इनका मानना था कि ईश्वर आत्मा या मतलब परमात्मा व जगत से भिन्न है। तो इनके विचार कुछ अलग थे, और लेकिन ये भी विष्णु के उपासक थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, रामानुज ने विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादन किया, और माधवाचार्य जो थे उन्होंने द्वैतवाद के सिद्धांत
ईश्वर वो इन दोनों का मानना ये था कि मोक्ष प्राप्ति का अंतिम लक्ष्य जो है वो क्या है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है वो क्या है मोक्ष प्राप्ति। और मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें अपना सर्वस्व जो है वो ब्रह्म को या ईश्वर को देना होगा, तभी हम भक्ति में लीन होकर अपने जो ईश्वर को अपना वो बना सकते हैं। माध्वाचार्य में इन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। प्रारंभिक जितने भी संत थे, चाहे वो रामानुज थे और चाहे वो माध्वाचार्य थे, उन्होंने और यह जितने दक्षिण के अलवार संत वगैरह थे, उन्होंने तमिल भाषा का प्रयोग किया और इन लोगों ने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। तो संस्कृत भाषा क्योंकि जनता की भाषा, लोगों की भाषा नहीं थी, इसलिए इनके सिद्धांत प्रचलित तो हुए, ये इनके सिद्धांतों से लोग जो थे प्रभावित भी हुए, लेकिन उतना अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाए। नेक्स्ट आते हैं रामानंद जो थे। अभी तक ये जो दोनों संत थे, ये दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ और इनका जो प्रधान से क्षेत्र था वो भी दक्षिण भारत मुख्य रूप से रहा, लेकिन रामानंद जो थे उन्होंने उनका जन्म प्रयाग में 14वीं सदी में हुआ था और इसके पश्चात उन्होंने जो शिक्षा वगैरह प्राप्त की, तत्पश्चात इन्होंने बनारस और उत्तर प्रदेश के कई भागों में लोग जो थे वो इनके सिद्धांतों से प्रभावित। प्रारंभ में रामानंद जो थे वो रामानुज के विशिष्ट अद्वैत से प्रभावित थे और उनके द्वारा स्थापित श्री संप्रदाय के ये शिष्य भी हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे जब इन्होंने ईश्वर भक्ति में लीन होकर विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन किया तो तत्पश्चात ये श्री संप्रदाय के जो तीसरे गुरु थे उनके संरक्षण में कार्य करने लगे और इन्होंने भगवान विष्णु के स्थान पर राम भक्ति पर अधिक जोर दिया। रामानंद जी जो थे उनकी प्रमुख विशेषता ये थी कि एक तो दक्षिण भारत के स्थान पर उत्तर भारत में इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार और प्रसार किया, फिर साथ ही साथ इन्होंने भक्ति को न केवल धर्म से जोड़ा बल्कि भक्ति को इन्होंने समाज से जोड़ने का प्रयास किया। इन्होंने समाज की जो सामाजिक स्थितियां थी उसमें परिवर्तन की उनकी सोच थी, इसी के इन्होंने समाज में रूढ़िवादिता, अंधविश्वास जो कि पंडितों द्वारा धर्म गुरुओं द्वारा फैलाया जा रहा था उसका विरोध किया, सांप्रदायिकता और संवीणता का भी इन्होंने विरोध किया और मानव मात्र की समानता पर बल। तो इस प्रकार हम देखते हैं और साथ ही साथ इन्होंने संस्कृत के स्थान पर हिंदी जो कि जनसाधारण की बोलचाल की भाषा थी उसे अपने उद्देश्यों में अपनी बातों में महत्वपूर्ण स्थान दिया। तो इनके समय में इनकी मुख्य विशेषता ये थी कि अब भक्ति आंदोलन जो था उसने एक लोकवादी रूप कि वो लोगों के मध्य प्रचलित हो गया था और संपूर्ण जो लोग थे लोक था वो उससे प्रभावित हो रहा था। तो भक्ति आंदोलन का लोकवादी रूप हमें रामानंद के समय में देखने को मिलता है। नेक्स्ट संत जो काफी प्रमुख थे होगी उनका नाम है बल्लभाचार्य। अभी तक जो हमने पढ़ा वो वैष्णव संत थे, फिर रामानंद राम भक्ति को प्रमुखता देते थे, माध्वाचार्य वो बल्लभाचार्य जो थे इन्होंने अपने सिद्धांतों में अपने उपदेशों में कृष्ण भक्ति को प्रमुखता दी और इनकी जो कृष्ण भक्ति थी वो कृष्ण के
कृष्णनाथी के रूप में इन्होंने वो उपासना कराई। इनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ। इनके जो पिता थे वो तेलंगाना में निवास करते थे, लेकिन वो जब उत्तर भारत की यात्रा के लिए बनारस आए हुए थे, वहां पर इनका जन्म। ये कहा जाता है कि छोटी सी उम्र में ही बनवाचार्य ने चारों वेदों और 18 पुराणों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और उस ज्ञान को वो लोगों के बीच में बांटा। इन्होंने अभी जैसे हमने देखा कि रामानु विशिष्टाद्वैत के समर्थक थे, माध्वाचार्य द्वैतवाद के समर्थक थे और वल्लभाचार्य जो है वो शुद्ध द्वैतवाद के सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया। इनका ये मानना था कि ब्रह्म जो है वो सर्वशक्तिमान है। यदि हम अपने कर्म से, अपनी आत्मा से अपना सर्वस्व जो है वो ब्रह्म को अर्पित कर देते हैं, हम उसकी ये साधना में लीन हो जाते हैं, तभी जो है हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने उत्तर भारत में अपने सिद्धांतों का, अपने उपदेशों का प्रचार किया और लेकिन इनका जो विशेष कार्य क्षेत्र था, क्योंकि कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे, तो ब्रज क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश का वो राजस्थान और गुजरात में इनके सिद्धांत जो थे वो काफी लोकप्रिय हुए। ये कहा जाता है कि सम्राट अकबर जो थे वो भी इनकी विद्वता, इनके सिद्धांतों से काफी अधिक प्रभावित हुए थे और उन्होंने इन्हें काफी भूमि जो थी वो दान के रूप में भी दी। तो अब हमने यहाँ पर इस लेक्चर में भक्तिकालीन सगुण विचारधारा को, जो कि चाहे वो राम को माने, चाहे विष्णु को माने, चाहे कृष्ण को माने, उनका अध्ययन किया। तो इनके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा, हमने समझा, लेकिन इनके अलावा भी अन्य कई प्रमुख संत थे जिनमें निम्बार्क सगुण संत जिन्हें हम कह सकते हैं, निम्बार्क, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, सूरदास और तुलसीदास आदि के नाम प्रमुख हैं। इनमें से अधिकांश अधिकांश संत जो थे वो कृष्ण भक्ति शाखा को प्रमुखता देते थे और तुलसीदास जो थे वो राम भक्ति शाखा को प्रमुखता देते थे। लेकिन जितने भी संत थे, चाहे वो सगुण भक्ति शाखा के थे और सगुण भक्ति शाखा में चाहे वो दक्षिण भारत के हो, चाहे वो उत्तर भारत से संबंधित हो, सभी का उद्देश्य जो था वो समाज में समानता लाना, ईश्वर की भक्ति वो चाहे साकार रूप में हो, सगुण रूप में हो और चाहे निर्गुण रूप में हो, उसमें वो विश्वास करते थे। जाति प्रथा के बंधनों को नहीं मानते थे। मूर्ति पूजा में उनका बहुत ज्यादा ऐसा विश्वास, मूर्ति सामने हो तभी भक्ति हो सकती है ऐसा वो नहीं था। और समाज में ये जो संकीर्णता, जो सांप्रदायिकता, जो रूढ़िवादिता व्याप्त थी, सभी संत उन बुराइयों को दूर करके लोगों में एक सशक्त समाज का निर्माण करने के पक्ष। तो इस लेक्चर में हमने सगुण संतों के बारे में पढ़ा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम निर्गुण भक्ति को प्रमुखता देने वाले कबीर, नानक, दादू